अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ GT5 पाकिस्तान। तो भाई जैसे थे मेरी उम्मीद है की वीडियो मैंने दो बनानी थी, एक तो बना ली थी यार। मैंने कह दिया था कि एक स्मॉल सा ट्रेलर है, वैसे वो भी 8-9 मिनट की वीडियो थी, और मैंने फिर कह दिया था कि फुल जो वीडियो है वो आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल वो नहीं आ सकी थी। तो बन गई थी शाम तक, फिर बन गई थी लेकिन अपलोड नहीं हो सकी। तो अभी देर से ही सही, लेकिन बन गई है तो अपलोड तो करनी चाहिए थी। फिर कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो अभी अपलोड कर दिए भाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करो बस। तो भाई आज की बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले आपने जो है ना स्किप नहीं करनी, ये हमारी टोयोटा वीगो है भाई। अच्छा ये तो आज की वीडियो में नहीं थी यार, इसका क्या। अच्छा आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है, बल्कि मैंने मतलब ये कह दिया था कि आज की वीडियोस में मैं वाइट कलर की गाड़ियाँ यूज़ करूँगा और प्रोटोकॉल में न्यू कार यूज़ करूँगा। तो नई जो गाड़ियाँ हमारे पास टोयोटा फॉर्च्यूनर आई हुई है। सबसे पहले यार योम दिफाके वाले से बात करते हैं। तो योम दिफाका तो आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हुआ यह था 5 सितंबर को, 6 सितंबर की रात को इंडिया ने सरप्राइज़ अटैक किया पाकिस्तान पर। और उनका ये जो है तो एक ख्वाहिश थी कि हम सुबह का नाश्ता पाकिस्तान में करेंगे, पाकिस्तान को हमने लाहौर को फतह कर लिया होगा। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनका गेम ही बजा दिया। तो अभी अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। आपने कमेंट्स में क्या लिखना है भाई, मस्ट आपने लिखना है, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ये आपने लिखना है कमेंट्स में। अच्छा भाई, तो माइकल अपनी गाड़ी में बैठ गए और वो ख़ुद ही ड्राइविंग करेगा, उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो उसके साथ आगे बैठा हुआ है। और आज का जो प्रोटोकॉल है, अच्छा हम करने क्या वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो हम जा रहे हैं या जो मिलिट्री है, मिलिट्री बेस है, मिलिट्री हेडक्वार्टर कह सकते हैं, मिलिट्री बेस हम नहीं जा रहे हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर है। वहाँ पर एक फंक्शन होने वाली है पाकिस्तान आर्मी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, हमारे जो शहदा है उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ एक फंक्शन होगा। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरी जगह को सजा दिया गया है, डिफेंस डे के वाले से बोर्ड्स वगैरह लग गए। और टोयोटा फॉर्च्यूनर भाई मैंने पहली दफ़ा प्रोटोकॉल में रखा है, उस पर जो है तो लाइट्स भी लगा लिए सब कुछ। और टोयोटा जो हमारी V8 लैंड क्रूज़र, ये बेसिकली ब्लैक थी, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने स्पेशल इसे वाइट कर दिया, वाइट मंगवा ली फार्म हाउस से। इसमें मैंने फ्लैग्स भी लगाए हुए हैं देख सकते हैं, और लाइट्स वगैरह भी पुलिस लाइट्स लगाए हुए। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, और जो मैंने आपको बताया कि कमेंट्स में आपने क्या लिखना है तो वो आपने ज़रूर लिखना है। कल वीडियो बन गई थी यार, लेकिन फिर बस थोड़ी लेट बन गई थी और कल मैं पूरा दिन बैठा था। तो अभी यार हम यहाँ पहुँचने ही वाले हैं हाईवे पर इस वक्त, और हाईवे से उतरने वाले हैं इस जगह को भी। ये चूँकि वह करीब है जो हेडक्वार्टर है मिलिट्री का, तो इस जगह को भी सजा दिया गया है भैया, आप देख सकते हैं। अभी माइकल का काफिला यहाँ से गुजरेगा, ये आप देख सकते हैं वो आ रहे हैं। भाई प्रोटोकॉल आपको कैसा लगा? और मैंने हल्का रखा हुआ है जानबूझ कर ही, ज़्यादा मैंने हैवी नहीं रखा। तो उम्मीद है आपको प्रोटोकॉल आज का अच्छा लग रहा होगा। टोयोटा फॉर्च्यूनर ये मोड स्पेशल मोड है, बहुत ही स्पेशल मोड है, आप देख सकते हैं इसको। और मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा, पिछली जो वीडियो थी लैम्बोर्गिनी वाली, अगर आपने देख किए और आपने जो कमेंट्स किए, तो भाई इंस्टाग्राम पर, और वो था ये बहुत ही स्पेशल मोड एनिमेटेड, हमने फ्लैग लगा दिया, पूरी दिन मेहनत करनी पड़ी उस पर। और यार ये पीछे वाले ने ना पूरी वीडियो ख़राब कर दी, पीछे वाला फॉर्च्यूनर ने, पता नहीं इसको क्या मसला यार, पूरी वीडियो इसने मेरी ख़राब की हुई है। ये जब मैं एडिट कर रहा था ना, तो मेरा जो सीन मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस तरह बनाऊंगा, आगे से कैमरा लाऊंगा सिनेमैटिक्स में ये वो, तो पीछे वाले ने पूरी वीडियो ही ख़राब कर दी। अच्छा अभी अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ओरिजिनल हम ही बनाते हैं, फेसबुक अक्सर फिर जो है तो लोग कॉपी करते हैं फिर, और अपनी फेसबुक पेजेस पर वीडियोस अपलोड करते हैं। हम यहाँ पहुँच गए भाई हम यहाँ, और पीछे वाली जो गाड़ी वो मैंने ख़त्म कर दी है भाई, उसने हमारा पूरा का पूरा गेम ही ख़राब कर दिया।
अच्छा यहाँ से आगे हम जाएंगे और ये जो फॉर्चुनर गाड़ियाँ हैं तो ये भी मिलिट्री वालों ने ही हमें भाई प्रोवाइड की माइकल को आज के लिए वीडियो के लिए स्पेशल, कि इसी प्रोटोकॉल में अपने यहाँ आना है। तो कश्मीर के फ्लैग्स भी वही लगे हुए हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी हम कश्मीर को नहीं बोले तो भाई कश्मीर बनेगा, ये भी आपने कमेंट्स में लिखना है। अच्छा भाई इन्होंने हमें रोक दिया भी यहाँ पर और ये कह रहे कि आपकी जो गाड़ी है ये V8 की बात हो रही है कि इसकी क्लियरेंस नहीं हुई और आपने अपनी गाड़ी छोड़कर फॉर्चुनर में जाना है। लेकिन माइकल ने कहा कि नहीं भाई, अगर हम आगे जाएंगे तो अपनी गाड़ी में जाएंगे, इसलिए जो माइकल का पर्सनल सेक्रेटरी है वो फॉर्चुनर में उनके ड्राइवर के साथ ऊपर जाएगा, गाड़ी की क्लियरेंस कराएगा और अपनी भी क्लियरेंस कराएगा। वो एलिजिबल हो जाएगा कि वो ये गाड़ी गाड़ी क्लियर कर हो जाएगी तो फिर इस गाड़ी को वही ड्राइव करके ऊपर ले जाएगा। पता नहीं यार, ये अच्छा नहीं किया इन्होंने कि गाड़ी की क्लियरेंस नहीं हुई, ये क्या बात हुई यार। खैर हम थोड़ा स्पीड से जाएंगे, ये भाई जगह आला इन्होंने तैयार की हुई है, फ्लैग्स की तो बारिश ही है। और अभी आगे देखते हैं कि क्या सीन होगा। ये तो बिल्कुल अंदर ही जा रहे हैं भाई, भाई तो गाड़ी की क्लियरेंस यहाँ हमने करानी है शायद। हाँ तो भाई गाड़ी की हमारी क्लियर हो गई है, जो आप देख सकते हैं ड्राइवर ये भी ड्राइव कर रहा है, माइकल सामने बैठा हुआ है। तो भाई ये गाड़ी, इस गाड़ी पर मैंने बहुत मेहनत की है, ये फ्लैग्स वगैरह लगाने में और फिर सेटिंग इस करने में, इसकी ये लाइट्स वगैरह में, सब कुछ में। और ये मुझे जो है ना बहुत अच्छी भी लगी है ये गाड़ी। इससे पहले हमारे पास 2012 वाली V8 थी, 2012 मॉडल वाली, वो अभी भी है और वो उसको मैं यूज़ करूँगा, उसकी जान तो मैं नहीं छोड़ने वाला, उसको तो मैं होम नहीं छोड़ूंगा। अच्छा माइकल के लिए हमने LC 300 GR वर्जन वो भी हमने बना लिया है और बहुत जल्द वो लॉन्च होगा, तो फिर आपने वो देखना है। उस पर भी यार बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और दिन रात गुजार के हमने बनाई है। तो वही हम पहुंच गए यहाँ पर, अभी आगे पता नहीं ये लोग हमें कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि जो है ना इसी गाड़ी को हमने फॉलो करना है। अबे वाह यार क्या सीन है, या क्या हो रहा है भाई। तो भाई ये आप देख सकते हैं स्टेज वगैरह रेडी हुई है, बिल्कुल स्टेज वगैरह बिल्कुल रेडी है। और पाकिस्तान और कश्मीर के बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए भाई। अच्छा टोयोटा फॉर्च्यूनर यहाँ पहुँच गया और अभी उसके बाद ही ये लोग कह रहे कि हम आपको बता देंगे तो फिर आपने आना है। आई थिंक यार यार यह गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कड़ी हुई है, मैंने एक सीन देख लिया अभी, खैर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माइकल अभी यहाँ नहीं पहुँचा, जब वो पहुँच जाएगा ना, हाँ वो उसकी गाड़ी आ गई, चलो शुक्र है। तो यहाँ फंक्शन होने वाला है लेकिन कुर्सियाँ बिल्कुल खाली पड़ी है। अच्छा भाई ये कह रहे हैं कि माइकल अंदर जाएगा, अभी फ़िलहाल अंदर कोई इनकी मीटिंग होनी है, उसके बाद फिर फंक्शन होगा। तो यह हमने गाड़ी पार्क करनी है और भाई मैं आपको यहाँ का पूरा सीन दिखा देता हूँ, यहाँ जो इस जगह को डेकोरेट किया गया है, स्टेज वगैरह सब कुछ, फ्लैग्स भाई उन्होंने, फ्लैग्स के बारे में इन्होंने हद ही कर दिए, बहुत ज़बरदस्त सीन बनाए हुए इन्होंने भाई, ये आप देख सकते हैं स्टेज, स्टेज यार हदें मैं कहता हूँ। यार बंदे गायब है, बंदे होने चाहिए यार यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं भाई।
तो भाई आज की एपिसोड यही थी, और जो फंक्शन होगी उसकी वीडियो डिटेल में आएगी। जैसे तिमर की फंक्शन यहाँ पर होगी ज़रूर, मैं कोई सीन करूँगा इनका, तो उसकी वीडियो आएगी। आज की वीडियो में नहीं, लेकिन ज़रूर आएगी उसकी वीडियो। तो ठीक है भाई, उम्मीद है आपको आज का